लोगों ने कार्रवाई के लिए इंजेक्शन दिया थी। इसमें खरगोन के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने एक अच्छा काम करते हुए एक चैन स्नेचर गैंग पकड़ा है, जिसमें एक मुख्य आरोपी ईरानी समाज का एक व्यक्ति जिसकी काफ़ी अधिक हाइट होने की वजह से अलग ही जिसकी पहचान थी, आसमी जो पर्ली बिड महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसके जिले में आमद रफ रहती है। और इन्फॉर्मर्स ने बताया अनुसार जब वो आया था उस समय पुलिस ने उसको चेक किया और जब पकड़ा तो उसके पास से एक देसी पिस्टल मिला, उसे पुलिस ने जब्त किया। और घटनाओं के बारे में जब उसे विस्तार से पूछताछ किया गया तो उसने खरगोन जिले की तीन घटनाएँ घटित करने की बात बताया कि इसमें उसके साथ अलग अलग साथी थे और चेन जो है उसने अपने साथी उमन सोनी जो अंजर पर रहने वाला उसको बेचना उसने बात बताया था। इस पर से पुलिस ने उसके भी गिरफ्तार किया है और हम उसके अन्य साथियों में तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा उसने अन्य जिलों के भी कई घटनाएं घटित करना स्वीकार किया और गुजरात के आनंद में भी उसने घटनाएं घटित की है और छिंदवाड़ा और खंडवा में भी उसने घटनाएं घटित की है। इस प्रकार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चैन स्नेचर को पकड़ा और कई घटनाओं का पर्दाफाश किया है। इसे खरगोन कोतवाली और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसको मेरे द्वारा विशेष किया था। एक चैन स्नेचर गैंग के लोगों को कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। जिले में जो संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुए उसे संबंध में SSSP SDOP और सभी KIO के नेतृत्व में अच्छी टीम बनाई गई थी। इंफॉर्मेशन के आधार पर एक ईरानी जो पर्ली महाराष्ट्र का रहने वाला हाशमी नाम था, उसके इंफॉर्मेशन थी कि उसने इस तरह की घटना घटित की है। उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होने से अलग से ही वो पहचान में आता नहीं है। CCTV फुटेज वगैरह में भी इस स्थल को हम लोगों ने देखा था। इस आधार पर हमने इन्फॉर्मेशन लगाया और जब वो खरगोन आया था तो पुलिस ने चेक करके उसको पकड़ा और उसके पास से एक देसी पिस्टल उसने पास से जब्त किया गया। साथ में उसने कई घटनाएं चैन स्नेचिंग करना स्वीकार किया। अभी तक हमने उसे 3 चैन बरामद कर लिया है जो खरगोन जिले के ही अलग अलग जगह से चैन स्नेचिंग हुई है। इसके अतिरिक्त तो उसने खंडवा और आनंद और छिंदवाड़ा में भी इस तरह की घटनाएं घटित करने की बात स्वीकार की है। अन्य अलग अलग साथियों के साथ उसने ये घटनाएं की हैं। संबंधित जिलों के पुलिस को भी हमारे द्वारा सूचनाएँ दे दी गई है और अभी तक हमने 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक उसका साथी जो इससे सोने की चेन खरीदा करता था अंजड़ का एक हेमंत सोनी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस प्रकार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके हमने अभी तक 3 चैन स्नेचिंग की घटनाओं की गिरफ्तारी कर ली है और अन्य 5 घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने पर संबंधित पुलिस को कार्रवाई करने के लिए हमने बता दिया। सर, एक बड़े गिरोह का संभावना है, ये इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं और इसकी ससुराल सिंधवा में है, उन्हें से इसकी मध्य प्रदेश में आना जाना लगा रहता है और चैन स्नेचिंग की घटनाओं में ये काफ़ी दिनों से सक्रिय रहा है। इसके अलावा भी है, ये इसके साथ अन्य साथी भी हैं, अलग अलग घटनाओं में अलग अलग साथी रहे और उसके भी हम तलाश करते हैं। काफ़ी अच्छा काम किया गया। जब TI कोतवाली को एक विशेष के रूप से द्वारा बताया गया कि कुछ महाराष्ट्र के ईरानी गैंग के लोग हैं जो जिले में उनकी आमद रफ्त रहती है और उनके द्वारा इस तरह की घटनाएं घटित की जाती है। इन्फॉर्मर्स के बताया अनुसार उस ईरानी के यहाँ प्रवेश करने पर पुलिस ने उसको